ओके, एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। कैन यू रीड द ओके क्वेश्चन? ओके फर्स्ट पार्ट. गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325. So they have bought. So cost price of share is 250. Yeah. Okay. And sold it at 325. Yeah. So it is SP profit. is greater than CP. So it is Therefore, profit. profit equals to SP minus CP. 75. अब 75 क्या है? रुपीज है ना? Yeah. रुपीज 75. ओके, डू द Okay. करेक्शन. Okay. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज जो भी चाहिए वो ऊपर आएगा. प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100. प्रॉफिट इक्वल्स टू 75 अपॉन 250 इनटू 100. 25 के टेबल में चला गया, ये आया 10 से. ओके, 330%. देयरफॉर इज द प्रॉफिट ऑफ 30%. गुड. बस वहां पर ये एक लाइन लिखो, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी. इससे पता चलता है कि हमें करना क्या है. ठीक है, और दूसरी चीज यूनिट डालनी बहुत ज्यादा जरूरत है. और ये पी परसेंट परसेंटेज का प्रॉफिट परसेंटेज पूरा लिखो. या नाउ बी पार्ट रीड. और रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर रुपीज 12,000 एंड सोल्ड एट 13,500. ओके, नाउ एवरीथिंग वॉज इन रुपीज ना, सो मेक श्योर यू राइट रुपीज. ओके, ओके एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस. हाउ मच वॉज द कॉस्ट प्राइस? 12,000 एंड 13,500. अगेन एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी. अगेन रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड. ओके, प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100. 500 अपॉन 12,000 इनटू 100. सो आई एम डूइंग इट हियर सो दैट आई कैन जस्ट चेक इट. 12,000 इनटू 100. 500 थोड़ी है वो 15. ओके, 1500. सर थैंक यू. सो थ्री जीरोस, 1, 2 एंड 3. थ्री के टेबल में. ओके, थ्री के टेबल में 50 फाइव. अच्छा हाँ, वो फोर फोर 25, 2. Very good. So that means 12.5%. Okay, this is percentage, na? So answer should be in percent. So 12.5%. Yes, फिर उसके बाद मैंने statement में लिखा है 12.5 भी लिख सकते हैं ना, 12.5%. हाँ, 12.5 भी लिख सकते हैं. 1 second. Yeah. Yes. हाँ, 12.5% भी ठीक है. हाँ, सी पार्ट रीड करो. अ कपबोर्ड बॉट फॉर रुपीज 2,500 एंड सोल्ड एट 3,000. वाह, सभी में प्रॉफिट कर रहे हैं. वेरी गुड. अगेन यहाँ पर एस पी इज ग्रेटर देन या सी पी, देयरफॉर एवरी क्वेश्चन आई डिड दिस मिस्टेक. इट्स ओके. सो 500 रुपीज प्रॉफिट परसेंट, 500 अपॉन 2, 5000 गेट कैंसिल, 5 अपॉन 5, 20% इज करेक्ट. गुड, क्विकली मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन लास्ट पार्ट दैट इज डी. कैन यू रीड द क्वेश्चन डी? ओके, सो A skirt bought for rupees 250 and sold at 150. Very good.
So as CP is greater than SP, therefore loss. Yeah. CP minus SP, 100 rupees ka loss ho gaya. Ab yahan pe loss percentage equals to loss upon CP into 100. Ab humne CP kyun liya denominator mein? Kya? CP isliye liya kyunki hume sabse pehle CP hi aaya tha. वो भी एक लॉजिक है, वेरी गुड. दूसरा है कि हम हमेशा कॉस्ट प्राइस जितने पे खरीदा है हम उस पे पता लगाते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इजंट इट? अगर आप कोई चीज खरीदे, वरना अगर हम लॉस और प्रॉफिट को अगर हम ऐसे ही कर देंगे तो वो तो वही पता चलेगा कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ. नहीं, वो बात नहीं है. बात यह है कि हमें प्रॉफिट और लॉस का पता ही तब चलता है जब हमें उसको कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करें. ओके, ठीक है ना. अगर मैं कोई चीज 100 की खरीद रहा हूँ और 120 की बेच रहा हूँ तो मुझे पता कैसे चले कि वो प्रॉफिट होगा लॉस? क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस पता है. अगर मैंने बोला कि मैंने जो आज पेन खरीदा है वो 50 रुपीज का है, ठीक है, अब दुकानदार को इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पता चल पाएगा क्या अगर हमें सिर्फ SP पता है तो? नहीं, कुछ पता नहीं चला. बिकॉज हाँ, कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए तभी पता चल पाएगा या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग पॉइंट होता है इस वजह से. चलो इस कैलकुलेशन को भी एक बार चेक कर लेते हैं. ये 1 आया, कट गया, ये 4 होगा, 40%. गुड, ये भी कैलकुलेशन एकदम ठीक है.